तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज का चैलेंज कोई खतरनाक वाला होने वाला है। चांदी चौक की माँ का भरोसा, लेकिन वीडियो बनानी है जो कि ये करेगा, ये जाएगा लोगों के पास और फिर शुरू करने वाला है। तो करे भाई आजा। अबे भाई अपने बाबू से बात बात कर लियो। नहीं नहीं बाबू नहीं, मैं कुछ देख रहा था। अच्छा ओ ओके डन है, समझ गया ना बस। भाई आज हम सवाल पूछेंगे, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार भाई हमारे साथ है, तो मैं सवाल पूछ रहा था, ये सरकार इतनी सारी जॉब्स दे रही है, उनमें से आप कौन सी जॉब लेना चाहोगे? हैंड जॉब लेना चाहोगे, ब्लो जॉब लेना चाहोगे? अगर सरकार आपको देना चाहे ब्लो जॉब। ब्लो जॉब आपके लिए सही रहेगी, हैंड जॉब से ज्यादा सही रहेगी। अच्छा तो मुझे ये बताओ, आप टिट पर्सन हो या एस पर्सन हो? एस पर्सन। एस पर्सन। आप ऐसा मतलब आप तो एस पर्सन क्यों, कैसे बने आप एस पर्सन, बता सकते हो? अगर आपको सरकार आपको एस दे और उसमें आप टिट जी स्पॉट ढूंढना चाहोगे, तो आप ढूंढना चाहोगे जी स्पॉट? जी। ये रहा नहीं जाता भैया, मेरे को आपसे कुछ सवाल पूछने थे, ठीक है? आपको क्या लगता है कि जो सरकार हमारे लिए कर रही है काम, वो सही कर रही है या नहीं कर रही है? सरकार फिलहाल अभी तक तो मुझे कुछ दिया ना, आए तो मैं क्या कह सकूं, मुझे बस राशन कार्ड दिया। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से आपको ब्लो जॉब मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? पक्का? रहा नहीं जाता। और राशन कार्ड के साथ आपको क्या लगता है, और क्या क्या हमें सुविधा मिलनी चाहिए? और राशन कार्ड के साथ हमें घर भी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है? जब राशन कार्ड दिया है तो हमें रहने का व्यवस्था दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ। सुबह सुबह तुम लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके शुगर मामी चलेगी? शुगर हमें कोई बीमारी तो है ही नहीं। बीमारी नहीं है, ये एक मतलब आजकल की युवा में नया चीजें चल रही है कि जैसे जो अमीर लोग होते हैं है ना, वो मतलब बस ये होता है कि आपको उन्हें खुश करना होता है, खुशी देनी होती है, वो चीज होती है, वो आपके सारे खर्चे उठाते हैं, ये सब ये चीज। हाँ जी, तो आपको क्या लगता है शुगर मॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है या नहीं है? अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। और क्या, जब सरकार खर्चे उठा रही तो और सब चीज बढ़िया। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से टिट जॉब मिलनी चाहिए? क्यों नहीं लगता, ऐसा तो लगना चाहिए। सरकार वोट मांग सकती है तो जॉब भी देने सीखिए। और सरकार की तरफ से हमें एज मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। अगर सरकार को हम सपोर्ट करेंगे तो सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर सकती? राशन कार्ड के साथ राशन कार्ड मिलना चाहिए या नहीं? ये तो भाई लोग इस मेरी सोचने से तो लोगों की जरूरतें तो पूरी हो नहीं सकती है। मेरे कहने से ऐसा देना जाना चाहिए, सबको दिया जाना चाहिए राशन कार्ड के साथ में, है ना? तो आपको मिले तो आप क्या करोगे? मुझे मिले क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, जब इस्तेमाल हो सरकार इस्तेमाल के लिए जब चीज दे रही है तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? तो आप वो जो राशन कार्ड है वो आप दिन में कितनी बार या हफ्ते में कितनी बार इस्तेमाल करोगे? जितनी बार सरकार देगी। तो आप चाहते सरकार आपको ब्लो जॉब हैंड जॉब दे? जी बिल्कुल दे। रोज दे या फिर कभी कभार? रोज में दे। परमानेंट चाहिए या फिर मतलब ऐसे कि हाँ मिलती रहे ना मिले ऐसा? परमानेंट चाहिए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि टेट जॉब वगैरह ये सब हमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? और हमें नौकरी चाहिए, हमें सरकारी नौकरी किसी चीज में भी दो, नौकरी चाहिए। तो हैंड जॉब की नौकरी कैसी रहेगी? हैंड जॉब की भी बहुत बढ़िया। अगर भैया सरकार आपको जी स्पॉट ढूंढने के लिए भेजे, मतलब ऐसा हो गया कि एक एजेंट की तरह आपको भेज रही है कहीं, नहीं भेज रहे सरकार, तो फिर जी स्पॉट ढूंढने के लिए, हाँ जी, तो आप जाएंगे क्या ढूंढने? बिल्कुल जाएंगे सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से आप बिल्कुल जाएंगे जी स्पॉट ढूंढने? सरकार के मजहब से जी हिंदुस्तान आजाद है तो उसकी तरफ से तो जाएंगे ना जाएंगे हम। चलिए भैया, अब हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, आजादी है जब भी ना काम कर रहे हैं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। सरकार कोई बात हमें बोलता है तो हम जाने के लिए तैयार है।
तो सबको जाना चाहिए जी स्पॉट ढूंढने के लिए। जी जिसको जरूरत हो तो जाएगा, हमें ना भी जरूरत पड़े तो हम जाएंगे सरकार की तरफ से। अच्छा मतलब आप जाएंगे सरकार की तरफ से जी स्पॉट ढूंढने। आप डिक लेना चाहेंगे या एश लेना चाहेंगे? एश ले जाएंगे। आप एश लेना चाहेंगे? चलिए भैया, थैंक यू भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।